एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गया और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं कितने दिन बाद, 3 दिन बाद कैमरा उठा रही हूँ ब्लॉग के लिए। मैंने एक वीडियो बना रही थी क्योंकि दीदी मेरी जा चुकी हैं अपने माँ ससुराल, बच्चे जा चुके हैं। मन नहीं किया कैमरा उठाने का। मम्मी जी सुबह सुबह सिलाई मशीन लेके बैठ गई हैं। बड़ी मम्मी आ रही हैं, कोई गांव में ख़त्म हो गया है तो गई थी गुहार करने। पूछते हैं हाल चाल कैसा है। तब तक मैं कर लेती हूँ दतवन, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। वो यहाँ पे रात में मम्मी ने छोले भिगो दिए थे, मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा रेसिपी तो मैंने शेयर करती हूँ हमेशा। तो जीरे और तेज़पत्ते का छौंक लगा दिया था सरसों के तेल में, और यहाँ पे मैंने प्याज बारीक काट रखा था, वो लहसुन प्याज अदरक मिर्च का पेस्ट प्लस थोड़ा सा जीरा, और यहाँ पे पैकेट वाला मसाला राजेश मसाला हल्का सा, और उसके बाद एवरेस्ट मसाला, और उसके बाद थोड़ा सा धनिया पाउडर, उसके बाद थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे। तो इसको पानी में घोल लेंगे, थोड़ा सा हल्का सा घुल गया है यहाँ पे, देखिए पानी डाल दिया। और फिर अब इसमें डाल देंगे मसाले में। तो ये रहा मसाला, तैयार हो गया है। मैंने देखा नहीं था छोला कितना है, थोड़ा ही छोला था, ठीक था, 3 ही लोग तो हैं। तो यहाँ पे यह पहाड़ी नमक, मतलब गुलाबी वाला नमक जो होता है ना, सेंधा नमक कह लीजिए क्या, मुझे नहीं पता, इसी को सेंधा नमक कहते हैं, किसी को पहाड़ी नमक कहते हैं, पता नहीं। तो ये गुलाबी वाला जो नमक होता है काफ़ी अच्छा होता है, तो पिंक सॉल्ट कहते हैं ना, हाँ, तो अच्छा होता है। यहाँ पे देखिए मसाला होने के बाद मैंने पानी डाल दिया था, और बीच में मैंने टमाटर ऐड कर दिया था, उसका प्यूरी मैं सूट नहीं कर पाई, सॉरी। तो यहाँ पे मम्मी और बड़ी मम्मी बैठ के बातें कर रही थी, चीज़ें हो रही थी, मतलब कि गांव में लोग ख़त्म हुए जा रहे ना, एक एक लोग, और अब ना लोग लंबे समय तक नहीं जी रहे हैं, जो लंबे समय तक जी जा रहे हैं समझो लकी हैं। तो यहाँ पे मैं बैठ के बातें सुन रही थी, और ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं ऐसे बच्चों वाली हरकतें थोड़ी बहुत करती रहती हूँ। और ज़िंदगी में यार देखो खुश रहना चाहिए, प्रॉब्लम कुछ भी आ रही है, आप अगर हैप्पी हो ना तो प्रॉब्लम भी देख के आपको भाग जाएगी। तो यहाँ पे देखिए यही मैं थोड़ा सा बैठी थी, तो यहाँ पे छोला हो गया था, लेकिन मुझे ना मटर थोड़ा सा कच्चा लग रहा था, मैंने टेस्ट किया तो यहाँ पे मैंने छोले में टमाटर बाद में पीसा हुआ था, 3-4 टमाटर थे, डाल दिया, लेकिन वही है कि शूट करना भूल गए, सॉरी। तो लाइट कट गई थी, इंडक्शन पे से उतार के उस पर रख दिया, और अब हो गया है, धीमी आंच पे थोड़ा सा थोड़ा देर पकाएंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। यहाँ पे मेरा काम ख़त्म, अब मैं जा रही हूँ कूलर में थोड़ा सा हवा लूँगी बैठ के, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है, थोड़ा पानी निकालूँ ठंडे फ्रिज से, और फ्रिज से पानी ठंडा लेके जाऊँगी, थोड़ा देर सोऊँगी हल्का सा, मतलब सोना, मतलब सोना वाला नहीं, रेस्ट करना थोड़ा सा कूलर के सामने, ठंडा हो जाए शरीर, फिर आपको मिलती हूँ। आज मंगलवार है और हनुमान जी का, बजरंग बली का, बाबा जी का दिन है। तो मैंने कहा कि आज मेरा सुबह का अंडा दो रहता है, वो बॉयल किया हुआ अंडा, उसमें नमक वमक कुछ नहीं रहता, मैं ऐसे ही खाती हूँ। तो मैंने कहा कि मैं सैटरडे और ट्यूसडे अवॉइड करती हूँ। तो यहाँ पे आज मेरा ट्यूसडे है, सैटरडे मैं कह रही थी ट्यूसडे है, तो आज मैं अंडा नहीं खाऊंगी। तो मम्मी ने बोला सेक दे दूँ, मैंने कहा ठीक है दे दो। तो सेक से अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाता है, बनाना सेक रहता है, प्रोटीन पाउडर रहता है, और ओट्स रहता है, दूध रहता है, तो वही था। और यहाँ पे फिर मैं सेक पी ली थी, तो फिर मैंने कहा फ्रूट खा लेती हूँ कुछ, छोले बनाने के बाद मैं फ्रूट खाने के लिए निकाल ली थी। तो अरे यहाँ पे ना जो छोले मैं बना रही थी उसके मटर ना मुझे थोड़े कड़े लग रहे थे, तो मैंने मम्मी से बोला, मम्मी बोली 1-2 कड़े हैं, मैंने कहा नहीं 1-2 कड़े नहीं हैं, मुझे दिख रहे हैं, मैंने चेक किया है,
ऐसा है कि इसको कुकर में डाल के, वैसे हो गए थे लेकिन मैंने कुकर में डाल के उसको ना 2-3 सीटियाँ और मरवा दी ताकि छोले अच्छे से हो जाए, वरना बाद में ना नुकसान करते, सबको नुकसान करते, कोई मतलब नहीं है इसका। तो मम्मी बोली ठीक है। तो मैंने कुकर में डाल के इंडक्शन पे रख दिया, लाइट आ गई थी। फिर उसके बाद मैं सोची कि चल के बाहर झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, नहा लूँगी। तो देखा मम्मी सिल रही थी, तो मैंने कहा कि लाओ आज लगे हाथ। ये मेरी नाइटी है जो कि बगल से बहुत ज़्यादा खुल गई थी, तो मैं पहनना बंद कर दी थी, लेकिन इस नाइटी में ना काफ़ी आराम होता है और इसका कलर भी मुझे अच्छा लगता है, इस वजह से मैंने इसको नहीं तो ये पड़ा रहता कोने में, तो मैंने यहाँ पे मैं सिल रही थी इसको, बगल से ना जो खुला हुआ है उसको बंद कर दूँगी, और पैरों के साइड थोड़ा हल्का हल्का खुला हुआ है। कप्तान नाइटी है ये, तो काफ़ी कपड़ा भी आरामदायक है और कलर भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैंने कहा कि इसको सिल देती हूँ, और बैठ के मैं सिलने लगी थी। देखिए खुला हुआ है ये, तो पकड़ के मैं सिल रही थी, और मम्मी ना पेटीकोट सिल रही थी। वैसे तो पेटीकोट सिलना मुझे भी आता है, सिंपल ब्लाउज सिलना भी आता है मुझे, लेकिन यही है ना कि अगर आप कोई चीज़ छोड़ देते हो तो भूल जाते हो। पेटीकोट का तो याद है, ब्लाउज़ का मुझे याद नहीं है, अभी देखना पड़ेगा, देखूंगी तो याद आ जाए शायद। और मैं अस्तर वाला ब्लाउज़ सीख ही रही थी कि तब तक मेरी शादी पड़ गई थी, और शादी में समझते ही हैं शादी के बाद बर्बादी शुरू हो जाती है, तो मेरी बर्बादी शुरू हो गई थी, और उसका आपको आज परिणाम दिख ही रहा है मेरी बर्बादी का। फाइनली मैं सोचती हूँ बल्कि शादी नहीं होती, कम से कम मैं स्वस्थ तो रहती। तो यही है यार ज़िंदगी में ना, सबके शादी करो, वो कहते हैं ना शादी के लड्डू खाओ तो पछताओ, ना खाओ तो पछताओ। तो लोग सोचते हैं खा के ही पछताएं, और खाते भी हैं। दुनिया जीने नहीं देती अगर आप शादी ना करो ना, तो दुनिया घर वालों से ज़्यादा बाहर वालों को आप भारी पड़ जाते हो और आपका जीना मुश्किल कर देगी पूछ पूछ के। थैंक गॉड मेरे अगल बगल वाले ऐसे नहीं हैं, हमारे गांव में ऐसे प्रेशर नहीं बनाया जाता, अच्छा है। लेकिन और जगहों के लोग मैं, और फिर स्टार्टिंग में जब लवली गए थे ना, तो बहुत लोग हर जगह ना बोलते थे, हर जगह मम्मी जाती थी तो बोलते थे अच्छा सा लड़का देख के शादी कर दो, अच्छा सा लड़का देख के शादी कर दो, तो मेरा मूड ऑफ होता था। फाइनली मैंने मतलब सबको समझ में आ गया कि ये करने वालों में से नहीं है, और करेगी भी तो ऐसे इंसान से जो इसके हिसाब से हो, मतलब कि मीन्स हिसाब से नहीं कि वो मेरा सब कुछ मतलब उठाए, खर्चे उठाए, ये सब नहीं। बात ये है कि इंसान की ना सोच मिलनी चाहिए, वो मुझे समझे, मैं उसको समझूं, ठीक है, मेरी चीज़ें कुछ प्रॉब्लम्स जो हेल्थ इश्यूज है वो चीज़ें जाने। ऐसे ही मैं किसी के साथ नहीं जा सकती कि कोई बांध दिया और मैं चल दी, है ना। तो अगर दोबारा आप कर भी रहे हो तो सोच समझ के डिसीज़न लो, लाइफ का डिसीज़न है, बहुत बड़ा डिसीज़न है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मैं सही कह रही हूँ कि। तो यहाँ पे नहा के पूजा पाठ कर लिया है मैंने, और खाना खाया है अभी थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा होता है मेरा, एक जैसे कह सकते हैं ना कि पूरा थाली में भर के मैं नहीं खाती, छोटा सा कटोरी है उसमें थोड़ा थोड़ा लेके खाना चाहिए, मुझे ही नहीं सबको खाना चाहिए, क्योंकि सही रहता है उससे। मतलब एक साथ ना जैसे 4 रोटी ले लिया, 5 रोटी ले लिया, चावल ले लिया, या 4 रोटी ले लिया, चावल ढेर सारा भर के खा लिया, ये सही पोषण नहीं होता है। मतलब थोड़ा थोड़ा खाओ, बल्कि आप दिन में 2-3 बार खा लो वो सही होता है। तो डॉक्टर ने मुझे वैसे भी बोल रखा है कि आप थोड़ा थोड़ा खाओ, भले ही दिन में 4 बार खाओ, ठीक है, ये नहीं कि भर के खा लेना। मैंने कहा ठीक है, पहले भी मैं यही करती थी, और ठीक है यही थोड़ा खाओ पच जाता है, अच्छा रहता है। मैंने आम खाया है, देख रही थी तो ये हिचकी क्यों इतनी आ रही है, कल रात को भी आ रही थी, आज भी आ रही है, समझ में नहीं आ रही कौन इतना याद करने वाला है मुझे। तो कलर थोड़ा सा, ये रूम का कलर वलर ना थोड़ा सा वो हो जाता है, मतलब हो गया है ना, वाइट छूट रहा है, ये पर्दे पुराने हो गए हैं। अगले महीने देखते हैं कुछ करते हैं, या तो अगले महीने कुछ तो होगा, अगले महीने ज़रूर कुछ होगा, मुझे ऐसा लगता है कि अगले महीने कुछ तो होगा, देखते हैं क्या होता है। या तो इस रूम को चेंज कर दूँगी,
या तो फिर मैं कहीं शिफ्ट ही हो जाऊंगी, कुछ तो होगा। बहुत गर्मी पड़ रही है, भगवान ही भगवान, इतनी ज़्यादा गर्मी। और पता है लखनऊ से मतलब कि गर्मी पड़ रही है और जगहों पे बारिश हो रही है। मानसून 20 तारीख को आने वाला था, आज 20 तारीख है, कुछ भी पता नहीं मानसून का। चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। लाइट आ गई। बाय बाय, टेक केयर।